नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। भारत ने T20 सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के अर्धशतक की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन ही बना सकी। हालांकि जॉस बटलर और डेविड मलान जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे उससे इंग्लैंड लक्ष्य की ओर बढ़ती दिख रही थी। बटलर और मलान ने दूसरे विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। इस जोड़ी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ा दी। कप्तान कोहली ने 13वें ओवर में अपने स्ट्राइकर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को गेंदबाजी के लिए वापस बुलाया। भुवनेश्वर ने इससे पहले 2 ओवरों में सिर्फ 6 रन दिए थे। भुवनेश्वर ने अपनी किफायती गेंदबाजी जारी रखी, साथ ही उन्होंने विकेट भी निकाल कर दिया। उन्होंने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस बटलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। विकेट गंवाने से बटलर निराश थे। वे जब पवेलियन की ओर जा रहे थे तो कप्तान कोहली से उनकी बहस हुई। उन्होंने कुछ कहा जिस पर कोहली भड़क गए और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद बटलर भी रुक गए और कोहली से उलझने लगे और कोहली से उलझने के लिए वापस से पिच की ओर आने लगे। हालांकि दोनों के बीच हुई इस कहासुनी का कारण मालूम नहीं चल पाया। इसके बाद कोहली एम्पायर से बात करते हुए नजर आए। बटलर के पवेलियन लौटने के बाद इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई और टीम निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 188 रन ही बना पाई। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच हुई 94 रनों की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत भारत ने 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 224 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना सकी। इसी के साथ भारत ने 3-2 से सीरीज जीत ली। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।